इंस्टाग्राम रील पर युवतियों द्वारा फेमस होने के लिए दिया जा रहा था गालियां, वही मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन तो पुलिस ने किया खेरगांव क्वीन को गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जो है अपनी टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है लोगों के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसी में कुछ ऐसी युवतियाँ है, युवक है, जो कि अभद्रता करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी लेते हैं। उसी में एक खेरगांव ज़िला है पिंपरी चिंचौड़ का, और इसी में जो खेरगांव क्वीन करके एक इंस्टाग्राम चलाने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती पर आरोप है कि वो अपशब्द कहती है वीडियो में और काफ़ी ज़्यादा अभद्रता रहती है उस वीडियो में, जिसके चलते पुलिस में जब इसका मामला गया तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए साक्षी हेमन को गिरफ्तार किया, जो कि उसके 30,000 से अधिक फॉलोअर थे, और साथ ही साक्षी के और अन्य दोस्तों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद क्या पूरी जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। खेरगांव क्वीन इस नाम से एक अकाउंट चलाती है साक्षी हेमंत श्री श्री माल, और उसका साथी है कुणाल कांबड़े। ये गणेशपेट का रहने वाला पुणे का है, और इसकी तीसरी मित्र है साक्षी रमेश कश्यप। ये तीनों मिलकर बहुत ही अश्लील भाषा में, बहुत ही खतरनाक धमकी भरे स्वर में अपने आप को डॉन की तरह प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये इंस्टाग्राम में इस तरह करके वातावरण को अश्लील बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन चीज़ों की कानून के अनुसार गलत माना जाता है, और इसीलिए हमने उनके खिलाफ इनिशिएटिव लेते हुए हमारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक संगीता जीजा भाऊ गोड़े, इसने केस दर्ज करवाया, अपराध दर्ज करवाया है आईपीसी की धारा 292, 294, 506, 34 के अंतर्गत। और इतना ही नहीं, कलम 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।